तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूं अपने मायके के घर, मायके में। यहां पे पापा ने दाल और हल्दी सुखाने के लिए डाली हुई है और यहां पे हो रही है पेंटिंग मेरी और मेरी दीदी की। ऐपन निकाल रहे हैं हम, पापा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, फ़ोन पे किसी का फ़ोन आया हुआ है। ताई जी बना रही है हमारे लिए खाना और ये रहा मेरे मायके का घर जहाँ शादी की लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। और देखिए जैसा दिख रहा है हमारा घर यहाँ से। और यहाँ पे देखिए मेरे भाई की शादी के कार्ड जो कि मुझे अपने ससुराल में देने हैं, अपने ससुराल वालों को, इसलिए मैं इनको गिन के ले जा रही हूँ अपने घर को। मम्मी भी आ गई है शादी से और अब हमारे जाने की तैयारी हो रही है। ये देखिए यहाँ पे सब फ़ोन पे लगे हुए हैं। ये है हमारी बहू कब्बू हमारी। तो अब पापा बोल रहे हैं कि जल्दी जाओ, अंधेरा होने वाला है, अब हम लोग जा रहे हैं। थोड़ी सी अपनी ईजा के साथ बात करती हूँ मैं। ये देखिए ध्यान के
तो दोस्तों फाइनली मायके से हम आ गए हैं, अब जाने लग गए हैं घर को। हम आए हुए थे यहाँ एयरपोर्ट निकालने के लिए, तो अब 5:30 बजे का टाइम हो गया है, अब घर को जाने लग गए हैं। पीछे से आ रहे हैं मेरे हस्बैंड, आगे से जा रही है मेरी ताई जी और दीदी। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरे गेहूँ गेहूँ हो रही है चारों तरफ, क्योंकि अब मेरे भाई की शादी है, तो इसलिए हम लोग एयरपोर्ट निकालने के लिए आए हुए थे। दोस्तों अभी हम आ गए हैं ढोनीगढ़, और हस्बैंड गए हुए हैं गाड़ी बैक करने के लिए आगे। तो ये है मेरी चाची का घर, ये है मेरी ताई का घर, और ये है हमारी दादा की दुकान आगे। तो अब सीधे चलते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत लेट हो गया है, इसको फेंकना है इसके घर कुमारी। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं अभी बगवाली पोखर और यहाँ पे अभी हम खा रहे हैं मोमो, हमें लग गई है भूख और अंधेरा होने वाला है बाहर। कुछ सामान मंगा रखा था तो सामान वाली अभी आई नहीं है, तो इसलिए हम मोमो खाने बैठे हैं। ये बैठी है दीदी, क्या आ रहा है फोन में, कुछ विशेष? और ये बैठे मेरे हस्बैंड तो अब हम गए हुए हैं दुकान में, खिलौने मंगा रही है हमारी दीदी के लड़के ने। तो ये गन ले रही है, पता नहीं क्या है, तो सीख रही है ये कैसे बनाना है, इसको कैसे चलाना है, इसको दोस्तों अंधेरा हो गया है पूरा, आते आते हमें रात हो चुकी है, 8 बजने वाले हैं, क्योंकि लेट हो गया था बगवाली पोखर में। सासू जी की दवाई मंगाई थी, दवाई आने में लेट हो गया था, तो अभी 8 तो नहीं बजे हैं, 7:30 हुए हैं, लेकिन घर जाने तक 8 बज जाएंगे। तो फटाफट से घर को जाते हैं, घर में पता नहीं क्या कर रहे हैं बच्चे। तो ये रही दिन भर की दिनचर्या, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा मेरा व्लॉग। इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।